खबर इस वक्त आ रही है, नियोजित शिक्षकों को सरकार देगी बड़ी सौगात। की बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वेतनमान छोड़कर सभी मुराद होगी पूरी, नियोजित शिक्षकों को मिलेगा सेवा शर्त का लाभ। सरकार ने तैयार कर लिया सेवा शर्त और जल्दी सेवा शर्त लागू करने की सरकार घोषणा भी करेगी। 20% वेतन वृद्धि का सरकार देगी सौगात। अब नियोजित शिक्षक का हो सकेगा ऐच्छिक स्थानांतरण। राज्य के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को इसका फायदा मिलने वाला, सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, नियोजित शिक्षकों को सरकार बड़ी सौगात दे रही है। वेतनमान छोड़कर सभी मुराद जो मांगे उनकी वो पूरी होंगी। नियोजित शिक्षकों को सेवा शर्त का लाभ भी मिलेगा। सरकार ने इसके लिए सेवा शर्त तैयार कर ली है। रजनीश हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश, इससे पहले ऐलान किया था शिक्षा मंत्री ने कि हाँ उनका वेतन इजाफा किया जाएगा, अब ये नई बात सामने आ रही है सेवा शर्त का लाभ मिलेगा, क्या नियोजित शिक्षक मानेंगे? देखिए अनुप, नियोजित शिक्षकों से जुड़ी हुई आज की सबसे बड़ी खबर है और बता दें आपको न्यूज 18 के हाथ लगी है जानकारी सूत्रों के हवाले से, तो निश्चित रूप से बड़ी खबर है। सबसे पहले बता दें आपको कि सेवा शर्त लागू होगा। जो शिक्षा विभाग है उसके अधिकारी लगातार मंत्रणा कर रहे हैं और पिछले 48 घंटे पहले जानकारी मिल रही है कि सेवा शर्त का जो ड्राफ्ट है वो तैयार कर लिया गया है और सरकार जो है जल्द अब सौगात देने वाली है। शिक्षा मंत्री ने आज पहली बार विधानसभा सत्र में मुंह भी खोला है कि अब वेतनमान सरकार नहीं देगी लेकिन वेतन वृद्धि करेगी। यानी हमारे पास जो जानकारी आ रही है कि 20% जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि 20% सरकार जो है अधिकतम जो है वेतन वृद्धि कर सकती है, वही वेतन वृद्धि फिर से सरकार लाभ देने का प्लान बनाई है। दूसरी बात कि सेवा शर्त में अब शिक्षकों को सबसे बड़ी जो फायदा पहुंचने वाली है वो है कि अब ऐच्छिक रूप से स्थानांतरण यानी ट्रांसफर हो सकेगा। जो पहले अंतर जिला ट्रांसफर को लेकर काफी परेशानी होती थी, अब राज्य भर में जो ऐच्छिक स्थानांतरण है वो आसानी से हो सकेगा। साथ ही जो ईपीएफ का लाभ है, बता दें आपको कि सबसे बड़ी ये जानकारी है कि ईपीएफ का लाभ जिसको लेकर लगातार मांग की जा रही थी कि शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ नहीं मिल रहा है, उसको लेकर भी सरकार ने अब बोझ जो है सहना जो है कहीं ना कहीं फैसला ले लिया बोझ सहने का। तो 1100 करोड़, बता दें आपको कि तकरीबन 1100 करोड़ रुपए खर्च राज्य सरकार जो है उठाने के लिए तैयार है और सेवा शर्त के साथ साथ जो ईपीएफ का लाभ है, साथ ही जो वेतन वृद्धि है, तीनों जो फैसले हैं सरकार अब 72 घंटे के अंदर ले सकती है, क्योंकि होली से पहले ये सौगात सरकार देना चाह रही है। शिक्षा मंत्री के साथ साथ जो अपर मुख्य सचिव है आरके महाजन, प्राथमिक शिक्षा निदेशक है या फिर माध्यमिक शिक्षा निदेशक है, तमाम जो अधिकारी है लगातार बैठ के कर रहे थे पिछले 48 घंटे। रजनीश, और रजनीश शिक्षक संघ के जो महासचिव उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा थे 7वें वेतनमान से कम मानने को तैयार नहीं है। अब जो सेवा शर्त की बात आ रही है, तमाम सुविधाओं की बात आ रही है, क्या मानेंगे शिक्षक? देखिए ये बहुत बड़ी खबर है, आपको बता दें अनुप, ये राज्य के 4 लाख शिक्षकों को सीधा फायदा पहुंचने वाला है और शिक्षकों के लिए एक तरफ जहां वेतनमान की मांग की जा रही है, वेतनमान सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी शिक्षक जो है केस हार गए थे और राज्य सरकार की जीत हुई थी, क्योंकि 28,000 करोड़ रुपया सीधा सरकार को वहन करना पड़ता और कुल मिलाकर एरियर की बात कर ले तो 56,000 करोड़ रुपया सरकार को, यानी 56,000 करोड़ रुपया सरकार देने के लिए तैयार नहीं थी, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि राज्य सरकार की जीत हुई है, शिक्षकों की हार हुई है। लेकिन अब ये जो फैसला आया है, निश्चित रूप से ईपीएफ का लाभ मिलेगा। जो नियोजन इकाई है उसमें सबसे बड़ी खबर है कि नियोजन इकाई में ये प्रावधान जो है सरकार ने अब ऐड किया है कि सेवा शर्त लागू होगा, जो काफी कठिन था पहले सेवा शर्त लागू करना। तो स्थानांतरण को लेकर कई ऐसे परिवार हैं जो पहले टूट गए हैं, न्यूज 18 ने खबर भी दिखाई है कि पिछले 8 साल से 9 साल से वो ट्रांसफर को लेकर काफी परेशान थे, डेपुटेशन भी नहीं हो रहा था, ऐसे में अब ऐसे रूप से स्थानांतरण हो सकेगा। साथ ही अब जो वेतन वृद्धि है उसकी सौगात मिलेगी, लेकिन 20% जो वेतन वृद्धि है इसको लेकर हो सकता है कि शिक्षक संघ जो है कहीं ना कहीं तैयार नहीं हो, लेकिन जो 2 बड़ा फैसला हुआ है यानी सेवा शर्त और ईपीएफ का लाभ, ये सबसे बड़ा फैसला है। राज्य सरकार अभी शिक्षकों को जो फायदे मिलने वाले हैं उसे बताने की कोशिश सरकार कर रही है कि भले वो वेतनमान नहीं दे लेकिन वो सुविधाएं देंगे जिनकी वो मांग कर रहे थे। अब देखना यही होगा कि शिक्षक इस पर मानते हैं या फिर कुछ और जवाब देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।